प्रणाम दोस्तों, आज हम जानेंगे शूर्पणखा अपने भाई रावण को क्यों दिया था श्राप। हर कोई जानता है कि रावण का वध भगवान राम ने किया था। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की इस नियति के पीछे उसे कई लोगों से मिले श्राप थे। रावण ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से उसे बहुत से लोगों ने श्राप दिए और यही उसके और उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बना। आइए जानते हैं कि रावण को कब और किसने श्राप दिया। रघुवंश में अनरण्य नाम का एक राजा था। जब रावण विश्व विजय पर निकला था तो उसके और राजा अनरण्य के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा अनरण्य मारे गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश में रावण ने शिव के वाहन नंदी बैल का मजाक उड़ाया। रावण को ये पता नहीं था नंदी कोई साधारण बैल नहीं है और उसके पास अपार शक्तियां हैं। खुद का मजाक उड़ाने पर क्रोधित नंदी ने रावण को श्राप दिया। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में यात्रा कर रहा था, तब उसने खूबसूरत स्त्री को देखा। वो स्त्री भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। रावण महिलाओं का सम्मान नहीं करता था। उसने उस स्त्री के बाल खींचकर उसे अपने साथ चलने का आदेश दिया। उस स्त्री ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए और मरने से पहले रावण को श्राप दिया। दुनिया पर विजय पाने के अपने लक्ष्य में रावण ने स्वर्ग का दौरा किया। वहां रावण रंभा नाम की अप्सरा पर मोहित हो गया। रंभा रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से शादी करना चाहती थी। रंभा की चेतावनी के बाद भी रावण नहीं माना और उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की। इस बात का पता जब नलकुबेर को चला तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने रावण को श्राप दिया। रावण को अपनी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी श्राप मिला था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिन्हवा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युत जिन्हवा को मार डाला था, जिससे नाराज शूर्पणखा ने रावण को श्राप दे दिया कि अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी बुरी नजर थी। माया के पति शंभर वैजंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंभर से मिलने गया और वहां माया को अपने जाल में फंसा लिया। जब शंभर को इसके बारे में पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया। उस समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया। युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। इसके बाद माया ने खुद के प्राण त्यागने का फैसला किया। रावण ने माया को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब माया ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से ही मेरे पति की मृत्यु हो गई।